गरीब मुल्क के अमीर ब्यूरोक्रेट किफायत शियारी के दावे, खराजात शाहाना, 403 अरब रुपए की सरकारी जमीन पर अफसर शाही की मौजें, 8975 कनाल जमीनों पर आलीशान सरकारी बंगले, छोटा बंगला 10 कनाल पर सबसे बड़ा, 104 कनाल पर मोहित, रिहायशगाहों की देखभाल पर सालाना 10 अरब 41 करोड़ रुपए खर्च, एक अफसर माहाना 10 लाख से 55 लाख रुपए में पड़ने लगा। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के दफातर, वजीर आजम ऑफिस मुतहर्रिक, कमिश्नर हाउसेज, डीआईजी ऑफिस, डीसी और डीपीओज हाउसेज, रेस्ट हाउसेज से मुतालिक जवाब तलब, डेप्टी सेक्रेटरी टू वजीर आजम का स्पेशल ब्रांच को खत। पानी सोने के भाव बेचा जा रहा है, पानी की डकैती नहीं होने देंगे, मिनरल कंपनियां हुकूमत को सिर्फ 25 पैसे अदा करके 50 रुपए लीटर पानी फरोख्त कर रही हैं। मिनरल कंपनियों की जानिब से मुफ्त पानी के इस्तेमाल पर चीफ जस्टिस की हैरानगी, बोले हमारा गुड्डा खोबे में फंस गया है, इसे सड़क पर लाना है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कंपनियों के सीईओ को कल 11 बजे तलब कर लिया। प्राइवेट अस्पताल एक दिन के इलाज पर लाखों रुपए बटोरते हैं, लूटमार नहीं करने देंगे, चीफ जस्टिस का प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज का नोटिस, अस्पताल के बाहर पार्किंग नजर आई तो 10,000 रुपए जुर्माना होगा। हमीद लतीफ अस्पताल समेत 12 अस्पतालों के मालिकान को नोटिस कल तलब कर लिया, अस्पतालों के चार्जेस की लिस्टें भी पेश करने का हुक्म, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर DLADA का हमीद लतीफ अस्पताल का दौरा, अस्पताल इंतजामिया को फौरी गैर कानूनी तामीरात हटाने का भी हुक्म। ख्वाजा साहब आपने रेलवे की ऑडिट रिपोर्ट देखी, चीफ जस्टिस का इस्तफसार, रेलवे को पांव पर खड़ा किया, यहां बेइज्जती करवाने नहीं आया, शाबाश देने आता हूं, डांट पड़ जाती है, साद रफीक का जवाब, आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा चीफ जस्टिस, ऑडिट रिपोर्ट पर जवाब जमा करवाने के लिए 1 माह की मोहलत, जवाब जमा कराएं फिर देखते हैं शाबाश मिलती है या नहीं, जस्टिस एजाजुल अहसन। रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई ओहदा ऑफर करके शर्मिंदा ना हो, कौम की खिदमत के सिवा मेरा कोई मकसद नहीं, चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वाजे कर दिया, ये मुल्क ना होता तो शायद मैं आज एतजाज अहसन का मुंशी होता। डैम को रोकने की सजा क्या हो सकती है, आर्टिकल 6 का मुतालिया शुरू कर दिया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। साबिका अहलिया की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का मामला, चीफ जस्टिस का DIG गिलगित बल्तिस्तान को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म, जुनेद अरशद नाम ECL में डाला जाए, क्या पुलिस अफसर अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, चीफ जस्टिस। कश्माला तारिक के बेटे का HSN कॉलेज में लड़ाई का मामला, लाहौर हाईकोर्ट से रुजू की हिदायत, बच्चों को छोटी मोटी लड़ाइयों को नजरअंदाज करना चाहिए, आपकी दादरसी हाईकोर्ट के दायरा इख्तियार में है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बादशाह डैम के बाद कालाबाग डैम भी कौम के तआवुन से जरूर बनाया जाएगा, दुश्मन डैम के खिलाफ है, हमने डैम पर पहरा देना है, चीफ जस्टिस का अखुवत फाउंडेशन के जेर एहतमाम कर्जे हसना देने की तकरीब से खिताब, अखुवत फाउंडेशन की जानिब से बिला सूद कर्जा देने के इकदाम की भी तारीफ, चीफ जस्टिस की हजरत बाबा शाह जमाल के मजार पर भी हाजिरी, फातिहा खानी।
रेलवे के अस्पतालों को प्राइवेटाइज करने का फैसला, फौज का तआवुन हासिल करने पर गौर, 10,000 नई नौकरियां देंगे, किसी मगरमच्छ को छोड़ेंगे नहीं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजीर रेलवे का पिंडी एक्सप्रेस का भी मुआयना। वजीर रेलवे मुसलसल गलत बयानी से काम ले रहे हैं, अहमकाना बातें करने की बजाय महकमे की माली हालत बेहतर बनाएं। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट रद्द अमल। जाति उम्रा में सो की फसाद, नवाज शरीफ की अपनी वालिदा के हमरा बेगम कुलसूम नवाज की कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। कतरी शहजादों की नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात, इजहार ताजियत। चेयरमैन अल बैराक कंपनी भी नवाज शरीफ से मिले, बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर इजहार ताजियत। जाती उम्रा में ताजियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी, सेनेटर परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ, बेगम जकिया शाहनवाज, नाहिद खान, सफदर अब्बासी की आमद। साफ पानी कंपनीज स्कैंडल में गिरफ्तार राजा कमरुल इस्लाम का बेटा सालार इस्लाम भी पहुंचा। ख्वाजा इमरान नजीर, अली परवेज मलिक और चौधरी शहबाज की बेगम कुलसूम नवाज की कब्र पर फातिहा खानी। बेगम कुलसूम नवाज की रस्म कुल आज बाद नमाज असर ता मगरिब होगी, कुल खानी में सिर्फ खानदान के अफराद ही शरीक होंगे। आवाम से गुजारिश है वो घर में रहकर ही एहसाले सवाब के लिए दुआ करें। कुल खानी से मुतालिक मजीद मियां नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद मीडिया को आगाह करेंगे। ख्वाजा इमरान नजीर की जाति उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू। हल्का एन ए 131 का जिमनी इलेक्शन, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी, नून लीग के मतवाले खिलाड़ी बन गए। सनी होम्स में हुमायूं अख्तर के एजाज में कॉर्नर मीटिंग, इलेक्शन में भरपूर हिमायत का ऐलान। अवाम के मसाइल मेरे अपने मसाइल हैं, अवामी मसाइल के हल के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा, माजी का दौर गुजर चुका, अब काम करना होगा और नतायज देना होंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात, लोगों के मसाइल सुने। नई हुकूमत की जानिब से भी महंगाई के झटके, महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर, 20 किलो आटे के थैले की कीमत में मजीद 20 रुपए इजाफा, दो हफ्तों में 20 किलो आटे की थैले की कीमत में 65 रुपए इजाफा कर दिया गया, जबकि 20 किलो आटे का थैला 700 रुपए से बढ़कर 765 रुपए पर पहुंच गया। हुकूमत ने गंदम जारी नहीं की, मिल्स मालिकान ने मलबा हुकूमत पर डाल दिया। लाहौर न्यूज़ की खबर पर पुलिस का एक्शन, शाहदरा में बच्ची से ज्यादती और हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुलजिम के साथ स्कूल टीचर भी मुलव्वस निकली, मुकदमा दर्ज, नाजायज असलहा भी बरामद। सलामतपुरा में आए रोज डकैती की वारदातें, आवाम का आज खुद नोटिस, गाड़ियों के शोरूम में डकैती की कोशिश नाकाम, दो डाकू धर लिए गए, खूब दुर्गत के बाद पुलिस के हवाले किया। मरीजों की जिंदगियां अल्लाह के सहारे, लेडी वेलिंगटन अस्पताल इंतजामिया का अनोखा कारनामा, अस्पताल के खाकरोग शाहिद को ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की ड्यूटी पर लगा दिया गया, कीमती जानें दांव पर लग गईं, मरीजों और लवाहिकीन का वजीर सेहत से नोटिस लेने का मुतालिबा। जिना अस्पताल में डॉक्टर्स और मरीजों के लवाहिकीन के दरमियान झगड़े का मामला, सीसीटीवी फुटेज आ गई, फुटेज में डॉक्टर्स को मरीजों के लवाहिकीन पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। पीआईए की लंदन जाने वाली परवाज में कप्तान और स्टीवर्ड में झगड़ा, कप्तान अनवार चौधरी का स्टीवर्ड अवैस कुरैशी को जहाज में सवार करने से इनकार, झगड़े के बायस परवाज PK-757 ताखिर का शिकार, पायलट की जिद ने मुसाफिरों को 3 घंटे इंतजार की सूली पर लटकाए रखा, सिविल एविएशन और पीआईए हुकाम ने मामला रफा दफा करवा दिया, चेयरमैन पीआईए का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया।
मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दावे धरे के धरे रह गए। 20 माह में पार्किंग का एक भी मेगा प्रोजेक्ट पूरा ना हो सका। टाउन हॉल की हदूद और लोअर मॉल से मुलहका अराजी पर पार्किंग प्लाजे तामीर का मामला ठप। तामीराती काम महज फाइलों की हद तक ही महदूद। LDA में भी तब्दीली आ गई। DGLDA की वन विंडो सेल पर खुली कचहरी। आमना इमरान खान ने अवामी शिकायत सुनी, फौरी अमल दरामद के अहकाम दिए। अमरीका में तायुनात पाकिस्तानी कौंसल जनरल शाहिद अहमद खान की रिहायशगाह। डिफेंस में इशाया। डेप्टी सेक्रेटरी स्पीकर पंजाब असेंबली रहनुमा PTI फिर दो आशिक आवान सीनियर सहाफियों और ब्यूरोक्रेट्स की शिरकत। UCP में 6 रोजा फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप की अख्तितामी तकरीब। डिजिटल मीडिया स्टडीज के हवाले से खसूसी लेक्चर्स दिए गए। मीडिया स्टडीज के असातिज़ा की सलाहियतों को बढ़ाने के अज़्म का इआदा। पाकिस्तानी क्रिकेट के मैदान एक बार फिर आलमी सितारों की मेजबानी को तैयार। PSL के 8 मैचेस पाकिस्तान में कराने का फैसला। पाकिस्तान सुपर लीग 4 का आगाज 14 फरवरी से दुबई में होगा। टूर्नामेंट का फाइनल 17 मार्च को कराची में होगा। PCB की गवर्निंग काउंसिल इजलास में फैसला। एशियन अंडर गेम्स में गोल्ड मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ी इनामी रकम के मुंतजर। खिलाड़ी रफीक और सदीक ने तुर्कमानिस्तान में एशियन इंडोर गेम्स में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का इनामी रकम देने का वादा एक साल बाद भी वफा न हो सका। और लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन की गहमा गहमी। पियाफ फाउंडर अलायंस के उम्मीदवारों का स्टील मार्केट और जौहर टाउन का दौरा। ताजर बरादरी से मुलाकात, वोट मांगे। अंजुमन ताजरान मक्का कॉलोनी की भी इंतखाबी मुहिम उरूज पर। न्यू फ्रेंड्स ग्रुप का बलोच रोड का दौरा, वोटों की अपील।